हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे एक पार्टी स्नैक्स, चीज़ी पनीर टिक्का स्टिक्स। चीज़ी पनीर टिक्का स्टिक्स बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पनीर को, ये देखिए, इस तरीके से लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब इसके लिए मैरिनेशन बनाएंगे। पनीर टिक्का मैरिनेशन बनाने के लिए ये मैंने 1/2 कप दही लिया है। ये देखिए 1/4 टीस्पून अजवाइन को हाथ पे मसल के डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ पे मसल के डालेंगे। 1/4 कप इसमें भुना हुआ बेसन डालेंगे। ये बेसन को मैंने बिल्कुल बिना किसी ऑयल के ड्राई रोस्ट किया है, ये इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून पनीर टिक्का मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर और ये जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर गार्लिक नहीं खाते हैं तो उसको माइनस भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का जूस डालेंगे, सबको मिला लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून पनीर टिक्के की मैरिनेशन तैयार है। अब एक एक स्टिक को लेंगे पनीर की और मैरिनेशन से कोट करेंगे। एक दूसरे प्लेट में इसको रखते जाएंगे। इसी तरह सभी पीस मैरिनेशन से कोट कर लेंगे। ये देखिए सभी पीस मैरिनेशन से कोट हो गए हैं। अब इनको आधा घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेशन में छोड़ देंगे। ये देखिए पनीर टिक्का स्टिक्स मैरिनेट हो गई हैं। पनीर टिक्का स्टिक्स को मैं अवन में बेक करूँगी, बेकिंग ट्रे में। बटर पेपर लगा लें। ये देखिए ये मैंने थोड़ा इस तरीके से काटा है, इधर से जो चौड़ी वाली साइड है इसको ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से लगा लीजिए। अवन को प्री हीट पे लगा दें। अवन की जो भी आपकी हाईएस्ट हीट है, मेरे अवन में 250 डिग्री तक हाईएस्ट है, तो मैं इनको 250 डिग्री के प्री हीटेड अवन में पहले 5 मिनट के लिए बेक करूँगी। ये देखिए पनीर टिक्का स्टिक्स बेक हो गई हैं। अब इनको चीज़ी बनाएंगे। ये धनिया पुदीना की चटनी है, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी धनिया पुदीना की चटनी लगाएंगे। ये मोज़रेला चीज़ है। ये देखिए ये मैंने सब कलर की बेल पेपर्स काटी हैं, आपके पास जिस कलर की भी अवेलेबल हो वही डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बेल पेपर्स लगा देंगे। इसी तरह सभी पनीर टिक्का स्टिक्स को तैयार कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और बेक करेंगे। ये देखिए हमारी चीज़ी पनीर टिक्का स्टिक्स बेक हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी बनी है। इनको आप तवे पे भी आराम से बना सकते हैं। तवे पे पहले पनीर टिक्का को टर्न कर करके सेक लें, उसके बाद चीज़ और बेल पेपर्स लगा के इसको लिड से कवर करके स्लो गैस पे 2-3 मिनट के लिए सेक लें। अब इनको सर्व करने के लिए, ये देखिए अगर आपके पास वुडन स्टिक्स हैं तो आप इनको वुडन स्टिक्स में लगा सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक के हैं, मैं ये लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से और खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी आसानी होगी। लीजिए बनके तैयार हैं हमारे टेस्टी टेस्टी चीज़ी पनीर टिक्का स्टिक्स। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए
प्यार से खिलाइए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।